डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं बेसिक फार्मूला एप्लीकेशन ऑफ मोल, मतलब मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो मोल कैलकुलेशन के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी उसको हम समझते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक हम बेसिक रिलेशन देखते हैं। दिस रिलेशन इज एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, दिस इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, दिस इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसमें n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। कैपिटल M इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास, अगर आपको मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, और अगर आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ एटम्स, एंड दिस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मोलर मास आपको लेना रहेगा 14 ग्राम, और अगर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स यानी N2 कैलकुलेट करने हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 28। ठीक है, यहाँ पर जो स्मॉल m है, दिस इज मास इन ग्राम, जो कैपिटल N है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस एक्सेट्रा। ठीक है, Na हम जानते हैं, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू 6 × 10⁻²। हमने अप्रॉक्सीमेशन के साथ में ली है, बस इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻²² रहती है, पर अप्रॉक्सीमेशन में हमने इसकी वैल्यू 6 × 10⁻²² ली है। यहाँ पर जो V है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर एट NTP, नेचुरल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो अब यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ करके हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर आपको मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, यानी एटम या मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, मास कैलकुलेट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये रिलेशनशिप हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम इनको इन डिफरेंट टर्म्स को नंबरिंग कर लें, ठीक है, जैसे इसको हमने कह दिया फर्स्ट टर्म, इसको हमने कह दिया सेकेंड टर्म, इसको हमने कह दिया थर्ड टर्म, इसको हमने कह दिया फोर्थ टर्म, ये चार टर्म। फॉर एग्जांपल, आपको मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को इक्वेट कर लीजिए, है ना। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, गैस का है 10 TP, और मास कैलकुलेट करना है तो सेकेंड और फोर्थ टर्म को इक्वेट कर दीजिए, है ना। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, यानी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मास कैलकुलेट करना है तो सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट कर लीजिए। तो इस रिलेशन के एप्लीकेशन को हम समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से, ठीक है। तो ये है इलस्ट्रेशन, इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल कंटेनिंग 6.4 ग्राम ऑक्सीजन, पहला पार्ट है इसका। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ 2.4 × 10³³ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट NTP, और तीसरा पार्ट है इसका मास ऑफ 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट NTP। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिलेशन लिख लें जो उसके पहले हमने देखा था, N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन NA इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, ये रिलेशन है ना। नंबरिंग कर लें, जैसे हमने पहले की थी, ये पहली टर्म हो गई,
ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, और ये चौथी टर्म हो गई, ठीक है, ये चारों टर्म्स हो गई। अब इसके बाद में हम इसके पहले पार्ट पे जाते हैं, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं और मास दिया हुआ है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं और मास की वैल्यू हमें गिवन है। तो आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वेट कर लीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वेट किया तो रिलेशन क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास हमें दिया हुआ है 6.4 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, फॉर ऑक्सीजन इट इज 32, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है वॉल्यूम एनटीपी पर, कितना 2.4 × 10²³ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब अब आपको इस केस में, ठीक है, इस केस में अब आपको क्या दिया हुआ है, इस केस में आपको दिया हुआ है 2.4 × 10²³, यानी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है और आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिलेशन में आप क्या करोगे, थर्ड और फोर्थ टर्म्स को इक्वेट कर देंगे, तो थर्ड टर्म क्या है, एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2.4 × 10²³ डिवाइडेड बाय, ठीक है, एन ए 6 × 10²³, दिस इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4, ठीक है। तो यहाँ से जो V की वैल्यू आ जाएगी, V इज इक्वल टू 0.4 × 22.4 लीटर, इसका सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मास ऑफ 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी, आपको मास निकालना है, ठीक है, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑक्सीजन एट एनटीपी, आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, आपको वॉल्यूम की गिवन वैल्यू गिवन है और मास कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को आप इक्वेट कर लीजिए, तो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को हमने इक्वेट कर दिया, तो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4। तो यहाँ पर मास की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर मोलर मास 32, दिस इज इक्वल टू 5.6 × 22.4। इसे सॉल्व करने पर जो मास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 × 32, विच इज इक्वल टू 8 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनमें आप कौन सी दो टर्म इक्वेट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। इसमें एक बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि जो V बाई 22.4, ये जो रिलेशन है, ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है, मोल्स ऑफ एटम्स नहीं देता। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ एटम तब होंगे जब गैस होगी वो मोनोएटॉमिक गैस होगी, अदरवाइज ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।